चाइना, जापान, अमेरिका समेत कई देशों में नए कोरोना वायरस के वेरिएंट के कहर को देखते हुए शासन ने एक बार फिर कोरोना से जंग की तैयारियां तेज कर दी है। मंगलवार को जनपद के 5 सरकारी अस्पतालों सहित नंदनगर स्थित टीबी अस्पताल पर सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे के नेतृत्व में मॉक ड्रिल किया गया तथा 108 बिंदुओं पर तैयारियों को परखा गया, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि शासन के निर्देश पर ऑक्सीजन प्लांट के साथ ही कोविड-19 के हर बेड पर पहुंचने वाली ऑक्सीजन प्रेशर की जांच की गई है। इसके साथ ही मरीज को किस तरह से अस्पताल और वार्ड तक पहुंचाना है, इसकी व्यवस्था को भी परखा गया है। किसी भी तरह की तैयारियों में कमियों को दुरुस्त करना ही हमारा उद्देश्य है। हर अस्पताल पर निगरानी के लिए एक एक नोडल ऑफिसर को तैनात किया गया है। कैंपियरगंज, बड़हलगंज, हरनई और चौरी चौरा में एडिशनल सीएमओ की देखरेख में पूरी रिहर्सल की गई। मॉक ड्रिल के बाद रिपोर्ट के आधार पर संबंधित अस्पतालों में उपकरण और अन्य व्यवस्थाओं की कमियों को दुरुस्त किया जाएगा। मॉक ड्रिल में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, वार्ड बॉय, सफाई कर्मी, एम्बुलेंस चालक, फार्मासिस्ट, एलटी मौजूद रहे। वार्डों में ऑक्सीजन प्लांट, लैब की मशीनों की पड़ताल भी की गई, जिससे संक्रमितों की संख्या बढ़ने पर किसी तरह की कोई दिक्कत ना होने पाए तथा मॉक ड्रिल के दौरान अस्पताल में पावर बैकअप, हैंड वॉश की फैसिलिटी, एनेस्थीसिया विशेषज्ञ चिकित्सक, नर्स और कर्मचारियों की संख्या को भी ध्यान में रखा गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे एवं टीवी अस्पताल के मेडिसिन फिजिशियन आशुतोष राय ने कहा, चारे स्टाफ हैं यहाँ। हाँ, अभी तो बुक करा लिया है मैंने। कमी नहीं करा रहा, बस कमी नहीं है। इसमें ऑक्सीजन
मरीज अगर मास्क यहाँ पर टर्मिनल पॉइंट पर ऑक्सीजन फिट करना होगा, वेंटिलेटर बाईपैप और एचएफएनसीज तो सर ये बैठे गए नहीं इधर करके सीढ़ी से अलाउड ही नहीं एक्सपायरी देखनी है ना मैं डॉक्टर एन के ठीक सारी इमरजेंसी ड्रग्स हैं आपके पास अरे भैया चार मिनट है पहले क्या है
पहले आप सीरियल कंसल्ट देख लो, अगर नॉर्मल है तो। अरे पंखे भैया मोबाइल बड़े भाई थोड़ा सा के लिए हमारे पास 30 आईसीयू बेड्स, 30 एसडीयू बेड्स और 30 नॉर्मल बेड के लिए हम लोग प्रिपेयर हैं। 80 बेड्स पे हमारे पास ऑक्सीजन पाइपलाइन के साथ है, बाकी 10 बेड जो हैं उसके लिए कॉन्सेंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था है। ठीक है, अगर कोई पेशेंट आता है तो हमारे पास तैयारियाँ 90 बेड पर पूरी तैयारी है। जी डॉक्टर कितने? डॉक्टर्स की टीम अभी हमारे पास 8 की टीम है हमारे हॉस्पिटल में, लेकिन बाकी जो डॉक्टर्स की ज़रूरत होगी और स्टाफ की मैन पावर की ज़रूरत होगी वो सीएमओ साहब ने कहा है कि जब भी ज़रूरत होगी, ड्यूटी लिस्ट लगा हुआ है, जैसे ही ज़रूरत पड़ेगी उनको डिप्लॉय कर दिया जाए। आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है और इसमें जो है आत्मलोकन, अपने मरीजों का निरीक्षण है और अपने कर्मचारियों की ट्रेनिंग स्टेटस और कोविड के दृष्टिगत रखते हुए हमारी क्या तैयारियाँ हैं इसके लिए हम लोगों ने किया है और हमारी मॉक ड्रिल में हमारा यह सेंटर पास पाया गया। मॉक ड्रिल गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में डब्ल्यूएचओ कर रहा है, यहाँ पर मैं स्वयं खड़ा हूँ वर्तमान समय में। इसके अलावा कैंपियरगंज, बड़हलगंज, हरनही और चौरी चौरा में हमारे एडिशनल सीएमओस कर रहे हैं। टीबी अस्पताल में हमारे पास सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, L2 का अस्पताल है, यहाँ पर आवश्यक औषधियाँ उपलब्ध हैं, हमारे उपकरण उपलब्ध हैं, ऑक्सीजन प्लांट चल रहा है, वेंटिलेटर हैं, सभी सुविधाएं पूर्ण हैं और पूरी तरह से हम तैयार हैं, लेकिन प्रभु करें कि कोविड ना आवे। जनता से अपील यही है कि कोविड के नियमों को लेकर के सजग और सतर्क रहें। जो कोविड का सिद्धांत है, ट्रेस टेस्ट ट्रीट टीका और अवेयरनेस, उसके बारे में रहें। बच्चे, बीमार, बुजुर्ग भीड़ भाड़ के स्थान पर ना जाएं, अगर जाते हैं तो मास्क लगा के जाएं।